जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख एयरपोर्ट, यानी कि भारत में कितने एयरपोर्ट हैं, किस राज्य में कौन सा एयरपोर्ट है, वह कैसे फेमस है। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, और आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, इन सब की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो 18 फरवरी 1911 एक आम तारीख थी। इसी दिन एक नया इतिहास रचा गया था। इसी दिन भारत की पहली व्यावसायिक फ्लाइट एयर डाक के साथ इलाहाबाद से शुरू होती है, यानी कि सन 1911 में भारत में पहली व्यावसायिक फ्लाइट एयर डाक के साथ इलाहाबाद से शुरू होती है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट अपना एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि भारत में एयरफोर्स डे है वो आपका कब मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारत में एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए आर्मी डे कब मनाया जाता है। आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में तीन फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आर्मी आर्मी है एक, आपका एयरफोर्स है एक, आपका नेवी है। ये सभी आपके राष्ट्रपति के अधीन आती हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो ये आपका आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ आपका 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। आपका वर्तमान में जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स को कौन संभाल रहे हैं, वह हैं आपके राकेश कुमार भदौरिया, आर के सिंह भदौरिया, जबकि आर्मी के जो जनरल हैं वो हैं मुकुंद नरवाने आपके आर्मी के चीफ हैं। इसी के साथ आपके जो नेवी के चीफ हैं आपके करमवीर सिंह, नेवी को संभाल रहे हैं करमवीर सिंह। राकेश कुमार भदौरिया एयरफोर्स को संभाल रहे हैं, जबकि आर्मी को मनोज मुकुंद नरवाने संभाल रहे हैं। इन तीनों के ऊपर एक पद होता है CDS। CDS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन तीनों के ऊपर जो होता है वह व्यक्ति आपका कौन, विपिन रावत है। नेक्स्ट अपना वर्तमान में भारत में 22 एयरलाइन हैं, जबकि 132 हवाई अड्डे हैं। भारत में एक 22 22 एयरलाइन एवं 132 हवाई अड्डे हैं। इसी के साथ 2016 के अनुसार भारत में 131 मिलियन हवाई यात्रियों ने भारत से सफ़र किया था, यानी कि सन 2016 के अनुसार हम बात करेंगे तो 131 मिलियन मिलियन में कितना, 131 मिलियन यात्रियों ने भारत से सफ़र किया था। अपना नेक्स्ट है, अपना पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है वो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है और यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में 3 रनवे एवं 3 टर्मिनल वाला एयरपोर्ट कौन सा है, यानी कि भारत में 3 रनवे एवं 3 टर्मिनल वाला एयरपोर्ट कौन सा है। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक तो आपका आंसर होगा, जबकि 3 जो ऑप्शन अन्य हैं उन सब की भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में 3 रनवे एवं 3 टर्मिनल वाला एयरपोर्ट कौन सा है, तो इसका आंसर तो आपका होगा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। जबकि जो 3 ऑप्शन और दिए गए हैं इनकी भी मैं इसी के साथ साथ बताऊँगा कि ये एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित हैं। चलिएगा, आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पर है, आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। राजीव गांधी एयरपोर्ट आपका तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, वहाँ पर आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट स्थित है। तो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है, और छत्रपति शिवाजी आपका महाराष्ट्र में है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, तो आप भारत का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके बिजू पटनायक, दूसरा आपका वीर सावरकर, तीसरा आपका इंदिरा गांधी, चौथा आपका छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी है तो आपका महाराष्ट्र में, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपका दिल्ली में, बिजू पटनायक एयरपोर्ट आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। जो उड़ीसा के वर्तमान में जो CM है वह है नवीन पटनायक, उनके पिताजी का नाम था बिजू पटनायक, उन्हीं के नाम पे वहाँ का एयरपोर्ट है बिजू पटनायक एयरपोर्ट। यह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह आपका है वीर सावरकर एयरपोर्ट, वीर सावरकर एयरपोर्ट है आपका, आपका केंद्र शासित प्रदेश है एक अंडमान निकोबार, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट है। तो भारत का इसका आंसर होगा, भारत का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो आपका सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट आपका गुजरात में है। तो इसी के साथ महाराष्ट्र में कौन सा, महाराष्ट्र में एक तो आपका है भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, एक आपका शिवाजी एयरपोर्ट, एक आपका पुणे में पुणे एयरपोर्ट, और नई दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इसी के साथ एक पालम एयरपोर्ट भी है कोलकाता में आपका है, जिसका नाम है दमदम एयरपोर्ट, यानी कि उसका दूसरा नाम सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, कहाँ पे, कलकत्ता में।
कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? वो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है कलकत्ता, और नई दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ प्रसिद्ध है? बिरसा मुंडा यानी मुंडा, बिरसा मुंडा जो एक जनजाति भी पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है रांची झारखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा रांची झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपका स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया था ऑप्शन के माध्यम से कि वीर सावरकर एयरपोर्ट आपका अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है। इसी के साथ तीन ऑप्शन और दिए गए हैं, जैसे गुवाहाटी असम, तो गुवाहाटी असम में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट स्थित है, जबकि अमृतसर पंजाब में कौन सा? रामदास एयरपोर्ट है, गुरु रामदास एयरपोर्ट आपका अमृतसर पंजाब में है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कौन सा? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है? बेंगलुरु में। अमृतसर में कौन सा? रामदास एयरपोर्ट है। गुवाहाटी में कौन सा एयरपोर्ट है? आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट आपका गुवाहाटी असम में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट में, ऊपर में आपको ऑप्शन के माध्यम से बताया था बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट आपका नागपुर में, पुणे में पुणे एयरपोर्ट है, और आपका उत्तर प्रदेश के दो शहर हैं लखनऊ और वाराणसी, और ये दोनों लखनऊ और वाराणसी में भारत के दो प्रधानमंत्रियों के नाम पर यहाँ पर एयरपोर्ट स्थित है। तो लखनऊ में जो एयरपोर्ट स्थित है वह आपका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जिसका जो समाधि स्थल है उसको किसान घाट कहते हैं, उनके नाम पे लखनऊ में एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, और वाराणसी में एक भारतीय प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके नाम पे जो एयरपोर्ट है वह है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, जबकि वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, पुणे में पुणे एयरपोर्ट है, नागपुर में आपका बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो मैंने ऊपर में आपको बताया था चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? लखनऊ में, जबकि वाराणसी में कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और नागपुर में कौन सा है? बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट आपका नागपुर में है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, तो मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट आपका वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, जिसका दूसरा नाम दमदम एयरपोर्ट है, और आपका बेंगलुरु में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, कहाँ पे है आपका? बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है वो लद्दाख की राजधानी है लेह में, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है? कुशोक बकुला लेम्पेचे, ये एयरपोर्ट आपका लेह लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है, इसका नाम है कुशोक बकुला लम्पोचे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख एयरपोर्ट, मुख्य रूप से तो यही एयरपोर्ट हैं, जबकि भारत के अन्य जो एयरपोर्ट हैं जो कि इतने इंपोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन उनको भी फिर भी आपको एक बार पढ़ना चाहिए, जैसे कि चेन्नई एयरपोर्ट आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में है, कोचिन एयरपोर्ट आपका केरल में है। इसी के साथ आपको नेक्स्ट है अपना पुणे एयरपोर्ट पुणे में है, बिरसा मुंडा झारखंड में रांची झारखंड में, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है ना तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, कोचिन केरल में, पुणे पुणे में, बिरसा मुंडा रांची झारखंड में, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम केरल में है। नेक्स्ट अपना है श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर में ऑप्शन के माध्यम से, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में। इसी के साथ आपको पंजाब में एक एयरपोर्ट है, वह भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह, ये कौन? शहीद भगत सिंह के नाम पे एक एयरपोर्ट है पंजाब में, वह स्थान है आपका कौन सा? वह आपका मोहाली पंजाब, वह स्थान है आपका मोहाली, मोहाली कहाँ पर? पंजाब में। इसी के साथ नेक्स्ट आपका है कालीकट एयरपोर्ट कोझिकोड केरल में, कालीकट जो एयरपोर्ट है वह है केरल में। मंगलोर एयरपोर्ट, मंगलोर स्थान कहाँ पे? कर्नाटक में है, तो मंगलोर एयरपोर्ट आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका कोयम्बटूर, जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, वह है कहाँ पर है? उसका नाम है कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर एयरपोर्ट आपका तमिलनाडु में। इम्फाल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? इम्फाल एयरपोर्ट आपका मणिपुर में। जो वास्को डिगामा एयरपोर्ट है वह आपका कहाँ पर स्थित है? वास्को डिगामा एयरपोर्ट आपका गोवा में स्थित है।
इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए पाक्योंग एयरपोर्ट आपका सिक्किम में, तो सिक्किम में आधा से कैर है तो पाक्योंग में आधा कैर है, तो इसी की ट्रिक से आप याद रखेंगे पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में, दोनों में चार चार वर्ड हैं। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जालीकरांट हवाई अड्डा देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है वहाँ पर आपका जालीकरांट हवाई अड्डा स्थित है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की अभी वर्तमान में नई राजधानी बनाई है उसका नाम है गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्म गैसे गैरसैंण गैसे ग्रीष्मकालीन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक पुई एयरपोर्ट आपका मिजोरम में स्थित है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जैसे गया एयरपोर्ट है वो गया बिहार में है, तो इसी के साथ बिहार के पटना में एक एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है, बिहार के पटना में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में दो एयरपोर्ट हैं जो कि एक तो इंदौर है एक भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश में, दूसरा एयरपोर्ट जो इंदौर में है उसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट होल इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आपका कलकत्ता में स्थित है उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए पटना बिहार में एक एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैं आपको ऊपर में बता चुका हूँ कि पंजाब में दो एयरपोर्ट हैं, एक है शहीद भगत सिंह जिस जो कि मोहाली पंजाब में स्थित है, दूसरा गुरु रामदास जी एयरपोर्ट जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेवें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए आप हमें 9116824 और 324 पर कमेंट्स कर सकते हैं टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए, और वीडियो में लिंक भी दिया जाए।